हेलो डियर्स, वेलकम टू द मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, ESI नर्सिंग ऑफिसर सैलरी स्लिप का वीडियो आया था। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि सर एम्स का भी बनाओ, तो आज अपन एम्स का सैलरी स्लिप के ऊपर डिस्कस करेंगे और कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा कि एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश या ऑल इंडिया के जितने भी एम्स से अलग अलग सिटीज में अवेलेबल हैं, उनकी सैलरी में डिफरेंट कहाँ पे रहता है और कैसे रहता है। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर आप नॉर्सेट और एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिशन है नर्सिंग क्लासेस के बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स और टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज डाल सकते हो। बुक्स का सैम्पल PDF देखे, उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो अपन बात करते हैं सैलरी स्लिप का, अभी नॉर्सेट के बाद में ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सबसे पहले सैलरी क्या रहेगी, तो एक आपको दिख रहा है एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पे स्लिप आपको दिख रही है। यहाँ मैंने कुछ उनके पर्सनल डाटा को हाइड कर रखा है, लेकिन बिल्कुल एम्स दिल्ली का है जैसा कि आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं कि कुछ बेसिक बात वापस आपको मैं बताऊँगा कि नर्सिंग ऑफिसर एम्स के अंदर ग्रुप बी के अंदर आता है और ये सैलरी स्लिप 7 पे कमीशन की, पे मैट्रिक 7 के, पे लेवल 7 की हैं। इसके अंदर सैलरी स्लिप में जिस पर्सन की है उसके मतलब दो इंक्रीमेंट लग गए, उस पर्सन के दो इंक्रीमेंट लगे हुए हैं, इसलिए उसकी बेसिक्स के साथ में, फ्रेशर बेसिक के साथ में या कंप्लीट सैलरी के साथ में डिस्कस करेंगे। तो इस पर्सन की जो सैलरी है, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। 2 ईयर इंक्रीमेंट लगा इसके लिए 47,600 है। बेस अगर फ्रेशर कोई कैंडिडेट लगेगा तो उसका कितना होगा, उसका होगा 44,900। अब सबसे पहले 44,900 होता है, उसके बाद में 46,400, 47,600, 49,000, 50,500। जैसे एक आपको मैं ये टेबल दिख रही है, इस टेबल के अंदर पे लेवल 7 का जो नीचे का ऑर्डर देखिए उसी ऑर्डर में रहता है। ये 2 ईयर इंक्रीमेंट लगे हुए हैं इसलिए इसकी बेसिक कितना है 47,700, लेकिन अगर फ्रेशर आप कैंडिडेट लगे तो उसकी कितनी होगी 44,900, 44,900। इसके बाद में अपन बात करते हैं डीए बेसिक के ऊपर मिलता है। इसका डीए 14,756 है। अभी जो अपना डीए चल रहा है दिसंबर 2021 तक 31%, जनवरी में बढ़ जाएगा, तो 31% के अकॉर्डिंग 47,700 का डीए बनता है 14,756। लेकिन ये कोई फ्रेशर कैंडिडेट रहेगा तो उसका डीए 44,900 का 31% होगा 13,919 रुपये। कितना होगा 13,919 रुपये, बेसिक 44,900 और उसका डीए कितना हो गया, उसका डीए होगा 13,919 रुपये। अब बात करते हैं कि सर नेक्स्ट है एचआरए कितना होगा। एचआरए दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा सैलरी का डिफरेंट आता है यहीं पे आता है। यहाँ पे मैं तीनों सिटीज़ का बताऊंगा आपको। एचआरए दिल्ली के अंदर मिलता है 27% अभी के अकॉर्डिंग। एचआरए किस बेस पे मिलता है, ESA के वीडियो मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली एक लाइव बोर्ड पर बताया हुआ, उसमें हर स्टेज का मैंने एक एक पॉइंट को विथ कैलकुलेशन विथ प्रूफ के साथ बताया हुआ है। तो मोर के लिए आप उस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा आपको इजी वे में समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस कितना है 12,852 रुपये। लेकिन एक फ्रेशर कैंडिडेट रहेगा तो इसका 27% इसका 27% हो गया 12,852 रुपये। लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट के 44,900 जो बेसिक है 12,120 रुपये। अब ये दिल्ली का है, जो सैलरी का डिफरेंट आता है वो कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ आपको, ये कहाँ का है दिल्ली का है। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग अलाउंस आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो 7,200 रुपये आपको मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं वॉचिंग अलाउंस भी आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो आपको 1,800 रुपये मिलेगा। इसका कोई डिफरेंट नहीं आता, जब तक पे कमीशन या रिवाइज नहीं होता है तब तक इसमें कोई ज़्यादा फर्क आता नहीं है। ये 7,200 रुपये और 1,800 रुपये ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये जो सैलरी के जो बड़े थे, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA। दिल्ली के अंदर TA मिलता है 3,700 रुपये। कितना मिलता है
लेकिन यहाँ पे आपको 4760 रुपये दिख रहा है। इसका कारण है कि ये तो डी हो गया, टी हो गया 3700 रुपये। इस टी ए के ऊपर भी डी ए मिलता है, मतलब 3700 का भी 31% कितना हो जाएगा, उसका 31% होगा 1116 रुपये। 1116 3700 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 414716। ये सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। इसका बेसिक से रोल नहीं है, इसका 3700 रुपये, 3700 का डी ए है। तो ये फ्रेशर कैंडिडेट का भी वही रहेगा और जो पुराना कैंडिडेट उसका भी वही रहेगा। अब जो मेजर, अब पूरा इसका सैलरी ग्रोथ कितना हो रहा है, 88,924, 88,924 रुपये। अब जो सैलरी का जो डिफरेंट कहाँ पे आता है, एम्स दिल्ली और अदर एम्स का, वो आता है दो तीन जगह आता है, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आता है आपका एचआरए के ऊपर, एक आता है आपका टीए के ऊपर। ये अलग अलग सिटीज़ का रहता है, अलग डिफरेंट रहता है। डिफरेंट क्या रहता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं बात बता दूँ आपका डिडक्शन कितना होता है। डिडक्शन एक एनपीएस होता है, एनपीएस 10% होता है। किसका 10%, आपका बेसिक प्लस डीए का दोनों का मिला के 10% आपका एनपीएस डिडक्ट रहता है। इसके बाद में आपका 650 रुपये जो ECSS एम्प्लॉय इंश्योरेंस इसके मिलता है, 650 रुपये जो ESA में भी कटता है, CGSS में भी कटता है, सदरगंज में भी कटता है, अपना जो पे लेवल के अकॉर्डिंग 650 रुपये कटता ही करता है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक करता है सोसाइटी रिकवरी 200 रुपये, और एक डिडक्शन भी करता है स्पेशल डिडक्शन, वो भी कितना करता है, 200 रुपये। अब इसमें एक आपको इनकम टैक्स 18,000, ये पर मंथ इतना नहीं करता है। इन पर्सन ने पहले शुरुआत में अपना डिडक्शन कम करवाया होगा, इसलिए एक साथ इनका लोड आया। तो आप लोगों को एक ही मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है तो मंथली आप 4 से 5,000 का अपना डिडक्शन जरूर करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका सैलरी का बैलेंस रहेगा, और लास्ट में अगर आपका ज़्यादा सेविंग हो गया तो आपका उसको आप ITR रिफंड करके, ITR रिटर्न करके आप रिफंड भी ले सकते हो। नहीं तो क्या होगा, फिर एक किसी महीने में आपका 2,000 कटेगा और लास्ट में आपके ऊपर एकदम बर्डन आएगा, 18,000, 20,000, 21,000 इतना हो जाएगा। तो ऐसे मिला के ग्रोथ कितनी हो रही है इनकी, 88। अब बात करते हैं कि सर अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं उनका सैलरी डिफरेंट क्यों रहता है। अब मैं बताऊँगा आपको, एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, ये सब अलग अलग सिटीज़ में इनका सैलरी डिफरेंट कहाँ रहता है, डिफरेंट क्यों होता है। तो मैं बात करता हूँ, फ्रेश कैंडिडेट लगेगा तो उसका बेसिक कहीं भी रहेगा तो सेम रहेगा। ये एक्स वाई जेड सिटीज़ का मतलब क्या होता है कि सिटीज़ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटी डिवाइड कर रखे हैं कि इस सिटीज़ में एचआरए आपको 27 मिलेगा, कुछ सिटीज़ में आपको 18% मिलेगा, और कुछ सिटीज़ में आपको क्या मिलेगा, 9%। इंडिया की टॉप 12 सिटी है, 12 सिटी है जिसके अंदर 27 मिलता है, कुछ सिटी में 18% मिलता है और कुछ रिमेनिंग में 9% मिलता है। इसका भी कैलकुलेशन मैंने ESC वाले में बहुत अच्छे से बता रखा, तो उस वीडियो को आप रेफर जरूर कीजिए। बेसिक सुमा लीजिए 900, कहीं पर भी रहोगे तो आपको सेम रहेगा। जस्ट मैं बताऊंगा, एक नॉर्थ सीट का कैंडिडेट सेलेक्ट होकर अलग अलग एम्स ज्वाइन करेगा तो बेसिक कहीं भी कोई भी एम ज्वाइन करेगा तो उसको सिमिलर रहेगा। डीए भी सिमिलर रहेगा, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, क्योंकि डीए तो 31% अभी चल रहा है, और अगर कैंडिडेट ज्वाइन करेगा तो उस टाइम जो 34% रहेगा तो बेसिक का 34% या 33% जो भी होगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू यहाँ आएगी सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगी, तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। वॉचिंग अलाउंस सिमिलर रहेगा, नर्सिंग अलाउंस भी सिमिलर रहेगा, कहीं भी हो यहाँ तक उस पर्सन की सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, ऑलमोस्ट की 100% सिमिलर रहेगी। अब डिफरेंट फिर कहाँ आएगा, तो डिफरेंट दो तीन जगह आएगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे बड़ा डिफरेंट आएगा आपको HRA में। दिल्ली में जॉब करोगे तो HRA आपको 27 मिलेगा, आपको अगर भोपाल के अंदर शायद 16% मिलेगा, ऋषिकेश के अंदर आपको 8% मिलेगा। तो ऋषिकेश के अंदर आपको कितना परसेंट मिलेगा HRA, 4,041 रुपये। एम्स भोपाल के अंदर ये मिलेगा, HRA के अंदर ये मिलेगा। मतलब सबसे पहले आपको सिटी, अपनी सिटीज़ का देखना है कि आपकी सिटी कौन सी कैटेगरी में आता है। इसके बाद में TA, एम्स दिल्ली में TA 3700 रहेगा, एम्स भोपाल में भी 3700 रहेगा, लेकिन एम्स ऋषिकेश के अंदर कितना, 1800, जो छोटी सिटी है। तो फिर इस DA के ऊपर भी TA लगता है, तो DA 3700 रुपये, तो उसका TA 31%, उसका 3700 का 31% कितना हो जाएगा, 1016 रुपये। और ऐसे करके जो फ्रेशर कैंडिडेट रहेगा आज के डेट के अकॉर्डिंग, अगर आज ज्वाइन करता तो उसकी ग्रोथ सैलरी दिल्ली के अंदर यहाँ बन जाएगी, भोपाल के अंदर ये बन जाएगी, और एम्स ऋषिकेश के अंदर ये बन जाएगी।
तो डियर सैलरी के रिलेवेंट आपके पूरे इशू क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, यह पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, नॉर्सेट ईएसआई जीएमसीएस एम्स पटना, नर्सिंग ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज और बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स के अलावा बुक्स के अंदर आपको नॉन टेक, थोरी, ओल्ड पेपर, सीएसओ पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जिसका सैम्पल पीडीएफ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि लेटेस्ट इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट।